नमस्कार, सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं समय शुभ समय और मैं हूं संतिन क्रांति। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मुंबई द्वारा आयोजित भुलेश्वर की भवानी के नाम विख्यात नेता जयवंतीबेन मेहता की प्रथम पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि भजन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। भुलेश्वर स्थित कबूतर खाने पर किया गया कार्यक्रम। अतुल शाह ने भावुक होकर जयवंतीबेन मेहता को पुष्पांजलि अर्पित की। आज सचमुच में मेरे पास शब्द नहीं है। शाम को जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ और जब जनसलाब यहां पर आया और जो श्रद्धांजलि देने के लिए भी पड़ा पड़ा, ये लोक प्रेम, ये चाहना किसी को नहीं मिल सकती है, वो जयवंतीबेन मेहता को मिल सकती है। क्योंकि इसी गलियों से मुझे याद है कि जयवंतीबेन यहां पर जब पहली बार चुनाव लड़ी, उनको टेबल पर खड़ा कर दिया गया, यही भुलेश्वर के ये बाजू। जयवंतीबेन बोल नहीं पा रहे थे पीछे से, मगर एक शक्तिशाली व्यक्तिमत्व, वो शक्तिशाली व्यक्तिमत्व हमारे नवीन भाई मेहता। वो जयवंतीबेन तो कहते तो बोल, कभी कभी गुस्सा भी करते, पर उस यहां से उनके लिए कार्य की शुरुआत हुई, वो उन्होंने सारी दुनिया में डंका बजाया। वो नगर सेविका थी, वो विधायक थी, जो परिसर से कभी हम जीत नहीं सकते। आज आपको लगेगा, मगर उस समय प्रमोद नवलकर जी को हरा के जयवंतीबेन ने पूरे मुंबई में इतिहास किया। उसके बाद वो सांसद हुई, दक्षिण मुंबई से पहली बार। मैं जब जिला अध्यक्ष था, मेरा आनंद समाया, मतलब जब जयवंतीबेन को टिकट मिला तो मैं और राज, आज को आपको बात बता दूं, कितने लोगों को चला पता भी है, जिस दिन जयवंतीबेन मेहता को टिकट मिले ना, हम दोनों ने, शाम को खबर आई, हम दोनों गए, मैंने चूना बनाया, फिर ब्रश खरीदने गए नल बाजार, हमारे जेब में 20 रुपया थे, खाली 20 रुपया, मगर जो आनंद था ना, हम मरीन ड्राइव पहुंचे, राज डू यू रिमेंबर, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर जयवंतीबेन मेहता, हमने पहला लिखा, उसका आनंद ही कुछ और था। और जब हमने जयवंतीबेन को यह बात बताई तो जयवंतीबेन भी इतनी हमको एनकरेज करने के लिए, क्या लक्ष्य जी देखा रो, उनकी गाड़ी में हमको लेके गई और उन्होंने कहा, कहां लिखा है, उनको भी वो आनंद हुआ कि राज और अतुल ने मेरा प्रचार, आज तो टिकट अनाउंस हुआ, शाम को मरीन ड्राइव के ऊपर वोट बेटिंग कर लिया। वहीं इस अवसर पर विधायक राज के पुरोहित ने जयवंतीबेन को याद करते हुए उनके संघर्ष की यात्रा को पुष्पांजलि देकर सलाम किया। ग्राउंड रिपोर्ट, कैमरा पर्सन एकनाथ के साथ शुभ समय, ऑनलाइन लाइव डिजिटल न्यूज चैनल मुंबई।